आज मई का 12 तारीख है, जो जिला पास ओपन हो चुका है, लेकिन वे वन बॉय के सिस्टम में चलेगा। आज 12 तारीख श्रीनगर टू ले छोड़ रहा है, मतलब श्रीनगर टू ले आप आ सकते हैं वन बॉय सिस्टम में। आप ले से श्रीनगर नहीं जा सकते 12 तारीख को। तो आपको डेट को याद रखना है कि जो जिला पास ओपन हो चुका है, आपको 12 तारीख श्रीनगर टू ले और 13 तारीख आपका ले टू श्रीनगर। तो इसी पैटर्न में आपका ये सिस्टम चलेगा, वन वे सिस्टम, जब तक बर्फ़ अच्छा से पिघल नहीं जाते, जब तक जो रास्ता है वो थोड़ा सा वाइड नहीं हो जाते, तब तक ये सिस्टम में चलेगा। जो जिला पास क्रॉस करने के लिए अगर आप श्रीनगर से ले आ रहा है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि श्रीनगर से कम 3 या 4 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 5 या 6 बजे तक आपका जो जिला पास में जो कॉन्वॉय का जो लाइन है वो आपको पकड़ना पड़ेगा और उसी लाइन में आपको लगना पड़ेगा और अर्ली मॉर्निंग को, तभी आप जो जिला पास क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल क्लियर हो रहा है, तो धीरे धीरे अभी धूप ज़्यादा तेज़ होगा, इसलिए 12-1 बजे धूप तेज रहता है, तो उस टाइम पे शायद आपका जो व्हीकल मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो पिघलने का, बर्फ़ पिघलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, मेल्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और एवलांस आने का ज़्यादा चांसेस रहता है, लैंडस्लाइड आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसके वजह से आपको अर्ली मॉर्निंग को या आपको शाम के टाइम में ही व्हीकल अलाउड करेगा जो जिला पास में। अगर आप श्रीनगर से ले आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि श्रीनगर से कम 3 या 4 बजे निकलना पड़ेगा जो जिला पास का जो कॉन्वॉय का लाइन है उसको आप पकड़ने के लिए। अगर आप ले से श्रीनगर जा रहे हैं, तो सेम सिस्टम में आपको ले से पहले दिन जाके आपको रुकना पड़ेगा कारगिल में। मतलब आप शाम को अगर निकलेंगे ले से, तो कारगिल आप रात 12-1 बजे आराम से पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा देर आपको गाड़ी में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आप 2 या 3 बजे या 4 बजे तक आराम से आप कॉन्वॉय में लग सकते हैं जो जिला पास के। तो ये चीज़ ध्यान देना है, जब तक बर्फ़ अच्छे से पिघल नहीं जाता, जब तक रोड वाइड नहीं हो जाते, तब तक ये पैटर्न में चलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है अगर आप जो जिला पास से आ रहे हैं तो। ले मनाली हाईवे का अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आया है, बारालाचला में अभी भी बहुत सारा बर्फ़ है, तो ये कब तक ऑफिशियली ओपन होगा अभी भी कोई हमारे पास फिक्स अपडेट नहीं है। तो हमारे पास जब भी अपडेट आएगा आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। मे भी इस महीने का एंड तक बारालाचला ओपन हो जाएगा, तो ले मनाली हाईवे भी चालू हो जाएगा। होप कि ले मनाली हाईवे जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, क्योंकि एक ही रोड है अभी जो कनेक्टिविटी, ले कनेक्टिविटी के लिए वो है जो जिला पास होके। तो अगर दो ही रोड ओपन रहेगा तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी गो एयर का जो एयरलाइंस है वो अभी बैंकक्रप्ट होने वाले में भी क्लोज कर चुका है उनका ऑपरेशन, और जितना उनका फ्लाइट था सारे के सारे कैंसिल हो चुका है। इसके वजह से जो अल्टरनेटिव फ्लाइट्स है वो उसका जो रेट है बहुत ही ज़्यादा महंगा है अभी। तो एक ऑप्शन बचता है जो चीपेस्ट, वो है बाय रोड। तो बाय रोड आप शेयरिंग में आ सकते हैं। अगर आप श्रीनगर से आ रहे ले, तो आपको शेयरिंग में टेम्पो ट्रेवलर मिल जाएगा। अगर आप जम्मू से श्रीनगर आ रहे हैं या ले आ रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको शेयरिंग में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। तो शेयरिंग ऑप्शन के हेल्प के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रेंटल चाहिए वो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। आज 12 तारीख है मई का 2023 का, तो जो जिला अभी ओपन हो चुका है। कल ही मुझे ये वीडियो अपलोड करना चाहिए था, लेकिन कल जो फाइनल अपडेट था वो तब तक नहीं आया था, इसलिए मैं आज सुबह को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जो जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग फंसा हुआ था सोनमार्ग में कारगिल में, तो उन लोगों के लिए अभी खुशखबरी आ सकते हैं। तो आप अगर बाय रोड आना चाहते हैं अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में, तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है। 12 तारीख श्रीनगर टू ले छोड़ रहा है, तो 13 तारीख ले टू श्रीनगर छोड़ रहा है, तो उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, उसी जो अल्टरनेटिव डेज को आपको फॉलो करना है। आप आ रहे हैं तो उसी चीज़ को ध्यान देके आप आगे आना है। तो और निकालने से पहले वेदर फोरकास्ट जरूर चेक कर लेना आप, क्योंकि अभी कब वेदर चेंज हो जाए, फिर से रोड बंद हो जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको जितना जल्दी हो सके आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा।